नमस्ते दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत बड़ा एश्योरेंस अपने भक्तों को दिया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम्। वे कह रहे हैं कि जो भक्त, जो डिवोटी हमेशा मेरा चिंतन करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, और उस तरह से मेरी उपासना करता है, सदैव मेरे चिंतन के द्वारा मेरी उपासना करता है। तेषां नित्याभियुक्ता नाम ऐसे नित्य युक्त भक्त के योगक्षेमं वहाम्यम, योगक्षेम की मैं रक्षा करता हूं, पूर्ति करता हूं। ये भगवान का वचन है और ये अनंत अनंत काल के लिए प्रभु का अपने भक्तों के लिए वचन है। आप देखेंगे कि संसार में ईश्वर का चिंतन, ईश्वर से मेरा अभिप्राय है उस परम तत्व का, जो कि अज्ञेय भी है और ज्ञेय भी है, जो जाना भी जा सकता है और जानने के बाद भी जो अनजाना भी रहता है, वो परम तत्व जो सर्वत्र है, आपके भीतर भी है, आपके बाहर भी है, जिसमें पूरा क्रिएशन एग्जिस्ट करता है, जो इस पूरे क्रिएशन का आधार है, उस परम तत्व का चिंतन, उस पर निर्भरता हम में से कितने लोगों के मन में वास्तव में स्थित है। हर व्यक्ति अपने कर्म पर, अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा करता है। ईश्वर के अस्तित्व पर यदि वो भरोसा करता भी है, तब भी उसका वो भरोसा अधूरा ही होता है, क्योंकि उसे सदैव यही लगता है कि मैं ही करता हूं, सारे कार्य मैं ही करता हूं। आई एम दी ओनली डूअर हु इज डूइंग ऑल दी वर्क्स। जबकि अगर आप थोड़ा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस क्रिएशन में, जो कि इतना अद्भुत है, गैलेक्सीज पर गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स पर यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स हैं, इनफाइनाइट है, उस पूरे क्रिएशन के पीछे जो डिवाइन विजडम है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो डिवाइन एग्जिस्टेंस है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो श्री कृष्ण यहां यही कह रहे हैं कि जो भक्त सदैव इस रूप से मेरे ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है और मुझ पर भरोसा भी करता है, वो जानता है कि जब ये सारा क्रिएशन उस सत्ता ने किया है, तो मेरे जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को भी वही दूर कर सकता है, और वो अपने सारे कर्म इस तरह से करता है कि वे कर्म उसके पूजामय हो जाते हैं। ऐसे भक्त की योगक्षेमम, यानी कि उसके जीवन निर्वाह के लिए, उसकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी आवश्यक है, वो सारे संसाधन, वो सारे रिसोर्सेस, वो परम तत्व, वो इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व, वो परमेश्वर प्रदान करता है। और बहुत से संतों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, भक्तों ने इस बात का बड़ा परीक्षण भी करके देखा है। मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना से इस श्लोक का अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं। अपनी परिव्राजक अवस्था में जब वे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो राधा कुंड पर शाम का समय था, उन्होंने स्नान करने का निर्णय किया। राधा कुंड महामयी राधा जी के नाम से है।
जब वे वहां स्नान करने के लिए उतरे तो परिव्राजक काल में विवेकानंद अपने साथ बहुत ही न्यूनतम पहनने के कपड़े रखते थे, एक कॉपिन पहनते थे और एक साथ में रखते थे। तो जो पहने थे उसे उतार कर वे स्नान करने के लिए उतरे। अंधकार था, पूरा निर्जन स्थान था, और जब वे नहाकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी वो कॉपीन और साथ में जो उनका थैला था उसे कोई उठाकर ले गया, कोई बंदर या वहां जो भी इस तरह के प्राणी थे। इसे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। और आप देखेंगे कि भक्त अगर भगवान से प्रेम करता है तो लड़ता भी भगवान से ही है। स्वामी विवेकानंद ने राधा देवी के प्रति मन में क्रोध किया और कहा कि हे महामाई, तुम्हारे इस कुंड में स्नान किया है और तुमने मुझे कपड़ों से विहीन कर दिया। अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस अवस्था में तो बाहर नहीं जा सकता, मैं वन प्रांत में चला जाऊंगा और पूरा जीवन वहीं गुजार दूंगा। और ये संकल्प लेके विवेकानंद बहुत तेजी से सरपट निर्जन वन की तरफ तेजी से अंदर जाने लगे। और थोड़ी देर बाद उन्हें एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, महाराज रुकिए। यह सुनकर उनको बड़ा लज्जा आई और वो और तेजी से भागने लगे। और भागते भागते वे काफी अंदर चले गए और उस जगह बैठ गए, लेकिन उन्होंने अचानक देखा कि वो व्यक्ति जो उन्हें आवाज दे रहा था वहीं आ गया और वो अपने साथ में वस्त्र लाया था। उसने कहा कि मुझे ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि एक साधु को वस्त्रों की जरूरत है, तो मैं तुरंत बाजार से साधु के वस्त्र लेकर आपको देने के लिए आया। ये सुनकर विवेकानंद जी ने वस्त्र ग्रहण किए और नतमस्तक होके महामाई राधा जी को प्रणाम किया। और उन्होंने मनी मन सोचा कि परमेश्वर वास्तव में अपने भक्तों का हर स्थिति में योगक्षेम का ख्याल रखते हैं। तो जीवन में मित्रों, ईश्वर पर जितनी निर्भरता बढ़ाएंगे उतना ही आपके मन को शांति प्राप्त होगी, लेकिन इसका अभिप्राय ये मत निकाल लेना कि आप कर्म नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के ऊपर भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि आप कर्म करो लेकिन उसके फल को ईश्वर के चरणों में छोड़ दो, लेट हिम डिसाइड। अगर आप वास्तव में भक्त हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप बहुत निष्ठा से, बहुत परफेक्शन के साथ अपने कर्म को संपादित करें। जो टास्क आपको मिली है उसे पूरे प्रसन्न मन से करें और उससे जो आनंद आपको मिलेगा वही आपका पारिश्रमिक है। और उसके जिस परिणाम की आप अपेक्षा करते हैं उस परिणाम की अपेक्षा आपको नहीं करना है, उस परिणाम को ईश्वर को अर्पित कर देना है। और जो भी परिणाम मिले, अच्छा या बुरा, उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल होकर काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करते हैं, आप जब ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यही रिजल्ट आए, तो आप ये भूल जाते हैं कि रिजल्ट के आने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सिर्फ आपका एक कर्म ही एकमात्र फैक्टर नहीं होता है। और जब सब सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं तो रिजल्ट की जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो पता नहीं क्या परिणाम सामने लाके रखे। अक्सर आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छा करते हैं, परिणाम उतना अच्छा नहीं आता। आप अच्छा करते हैं, परिणाम उससे आपकी अपेक्षाओं से बहुत अच्छा आ जाता है। कभी आप बहुत बहुत उम्दा करते हैं लेकिन परिणाम अच्छा तो छोड़िए, नेगेटिव आ जाता है, उल्टा आ जाता है। तो ये सारी बातें हमें यही बताती हैं कि जो हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया कि आप कर्म करिए, पूरे मनोयोग से करिए, पूरी संलग्नता के साथ करिए, लेकिन हमेशा ये जानकर करिए कि जैसे ये सृष्टि आपने नहीं बनाई, जैसे ये आपका जो अंदर धड़कता हुआ हृदय है, जो आपके पूरे शरीर में रक्त को संचारित करता है, वो आपकी निर्मिति नहीं है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सुस्वादु भोजन को पचाता है और उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सारे महत्वपूर्ण तत्व निकालकर आपके शरीर को देता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी निर्मिति नहीं है, आपने नहीं बनाया है। तो जिस परम सत्ता ने बनाया है वो इतनी इंटेलिजेंट जरूर है कि आपने जो एफर्ट्स डाले हैं उन एफर्ट्स के हिसाब से और सारे फैक्टर्स को काउंट करते हुए आपको उसका एक परिणाम दे। और वो परिणाम हो सकता है आपकी लाइकिंग का हो सकता है आपकी लाइकिंग का ना हो। इसीलिए अनन्याश्चिंतयन्तो माम, इस भाव को सदैव उसकी उपस्थिति को, उस अनसीन की प्रेजेंस को महसूस करते हुए अगर आप जिएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग ही प्रकाश आएगा। और प्रकाश न सिर्फ आपका जीवन प्रकाशित करेगा बल्कि आपको वो ताकत देगा कि आप दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर पाएंगे। गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, आपको नियमित रूप से उसके कुछ ना कुछ श्लोक, प्रथम अध्याय से लेके अंतिम अध्याय तक कुछ ना कुछ श्लोक हर दिन समझना चाहिए, उनका गूढ़ मनन चिंतन करना चाहिए। आज इतना ही दोस्तों, हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।